नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हार्ट हमारे शरीर के लिए कितनी उपयोगी है। दोस्तों, हार्ट को तो शायद आपने देखा होगा, ये सामने आप वीडियो में देख रहे हैं फोटोज़, जो इसी हार्ट की फ़ोटो है। हार्ट जो होती है हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। एक हार्ट जो होती है काले रंग की होती है और एक पीले रंग की होती है, आपने देखा होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं हार्ट, एक पीले रंग की होती है, ये काले रंग की होती है। जब ये हरी होती है तो ये हरे रंग में होती है, और जब सूख जाती है ये पीले रंग में बदल जाती है, या तो काले रंग में चली जाती है। ये तो आपने देख लिया, इसकी जो है काले और पीले रंग की है। तो दोस्तों, हार्ट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हार्ट का अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, पाचन की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका खाना सही से नहीं पचता है और आपको पेट गैस या एसिडिटी बनती है, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है कि वो हार्ट की एक गांठ चबा लें खाना खाने के बाद, या उसका चूर्ण शाम और सवेरे लें आधा चम्मच, जिससे आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सदा के लिए दूर हो जाएगी। तो ये देखा आपने, जो हार्ट है ये हरड़ के बीज है। तो हरड़, ये काली हरड़ है, वो आपने पीली देखी, ये काली है। तो दोस्तों, काली हरड़ भी वही काम करती है और पीली, दोनों का ही काम सेम है। नंबर दो, अगर आपको सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई कमजोरी है, तो आप रोज़ शहद के साथ हरड़ को सवेरे आधा चम्मच सवेरे लें और आधा चम्मच शाम को लें, जिससे आपकी खोई हुई मर्दाना ताकत भी पूरी हो जाती है। नंबर तीन, अगर आपके मुंह में छाले हैं, अगर आप हरड़ का वहाँ पर चूर्ण लगाते हैं, तो जिससे मुंह के छाले फिटकरी के साथ खाने से हरड़ का चूर्ण और साथ में फिटकरी खाने से जो मुंह के छाले होते हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आपके बालों में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके सर पर कोई प्रॉब्लम बालों से रिलेटेड, तो दोस्तों आप हरड़ का चूर्ण साथ में मिश्री डालकर खाएं, जिससे आपके बाल भी काले रहेंगे, साथ में बालों की जो प्रॉब्लम होती है बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी भाई को बवासीर है और वो उस बवासीर से बहुत परेशान है, उसको बहुत दर्द होता है, तो वहाँ जहाँ पर उसको बवासीर है, अगर वहाँ पर वो हरड़ का चूर्ण लगाता है या लेप लगाता है, तो जिससे उसका जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। अगर वो शाम और सवेरे अपना खाने के बाद आधा चम्मच रोज़ वो हरड़ का चूर्ण लेता है, आधा चम्मच शाम और सवेरे, जिससे जो होता है बवासीर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, हरड़ को हर तिकी के नाम से भी जाना जाता है। इससे हमारी जो पाचन शक्ति होती है मजबूत होता है, पाचन तंत्र बिल्कुल मजबूत होता है। अगर आप चूर्ण नहीं खा सकते, तो इसकी गांठ को चबाकर खा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इसका जो होता है खट्टा होता है या कड़वा स्वाद होता है, ये कोई नुकसानदेह नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको आपके शरीर में स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप हरड़ का चूर्ण खा सकते हैं, जिससे आपकी स्किन जो होती है बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आपके फिंसी हैं या आपके दाग धब्बे पड़े हैं, उससे हरड़ खाने से हरड़ जो होती है हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकाल देती है, और हरड़ जो होती है फेफड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिनके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है या वो सही से काम नहीं करते, अगर वो हरड़ का चूर्ण खाते हैं या हरड़ की गांठ खाते हैं, तो उनके फेफड़े सही से काम करते हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने सीखा कि हरड़ का चूर्ण हरड़ हमारे लिए कितनी उपयोगी और कितनी लाभदायक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।